हेलो एवरीवन। आज हम मैथ मैजिक पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड 3, चैप्टर 6, फन विथ गिव एंड टेक। काउंट टू सबट्रैक्ट, अभी क्या काउंट होना है? सबट्रैक्शन। धोली बॉट 4 डजन एंड 48 बनानास एंड गिव वन टू ईच ऑफ हर फ्रेंड। धोली ने वो कितने बनाना खाई थी? 48 बनानास लाए थे, यानी कि 4 डजन। 30 बनानास वेयर लेफ्ट, कितने बनाना बचे थे? 13। हाउ मेनी फ्रेंड्स वोट ऑफ बनाना, कितने फ्रेंड्स उसे बनाना मिले होंगे? एज यू नो दिस कैन बी फाउंड बाय काउंटिंग फॉरवर्ड फ्रॉम 13। इट इज इजियर टू काउंट इन टर्म्स ऑफ 10। यू कैन ऑल्सो यूज किट्टूज फॉर्म on page 29 to solve these problems। आप जानते ही होंगे कि फॉरवर्ड काउंटिंग है 30 से करेंगे तो वो आसान होगा, और इसमें भी आप 10 का चौन कर कर उसे और भी इजी बना सकते हो। हमने आगे ये देखा था कहाँ पे, किट्टू के होम पे, जो पेज नंबर 29 पे दिया है। 48 माइनस 13, देखो यहाँ पे 30, 10 एट किया 23, 10 एट किया 33, 10 एट किया 43, फिर कितना ऐड किया? 5 ऐड किया तो 48। तो कितनी बार 10 है? 1, 2, 3 बार 10, तो 3 बार 10 को प्लस करेंगे, और 1 टाइम 5, तो 5 ये सबको मिलाकर कितना होगा? 35। तो आंसर क्या होगा? सो 48 माइनस 13 इज इक्वल्स टू 35। बच्चों हर एक में हमें यही काउंटिंग मेथड यूज करनी है। नंबर 1, 56 माइनस 37, 37 से 10 का जंप लगाएंगे, 37, 10 जंप पर 47, वापस 10 जंप करेंगे तो 57, और हमें कहाँ पे जाना है? 56, तो हम एक डिजिट ही वो बैकवर्ड जाएंगे, यानी कि वहाँ क्या होगा? माइनस। तो 2 बार 10 प्लस करना है और 1 बार 1 माइनस करना है। 10 प्लस 10 20, 20 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 19। सो 56 माइनस 37 इज इक्वल टू कितना आएगा? 19। बच्चों ये आंसर वापस यहाँ पे फाइनल में लिखेंगे, 56 माइनस 37 इज इक्वल टू 19। नेक्स्ट बी, 60 माइनस 45, तो क्या करेंगे? 45 से लेके काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। 45 में 5 ऐड किया तो 50, 50 में ले लिया तो 60, क्या ऐड किया? 5 और 10, 5 प्लस 10 तो कितना होगा? 15। सो 60 माइनस 45 इज इक्वल टू कितना आएगा? 15। हमारा आंसर क्या होगा? 15। नेक्स्ट सी, 80 माइनस 59, 59 में 1 ऐड करेंगे तो 60, और अब 10 का जंप लगाएंगे, 60 प्लस 10 70, 70 प्लस 10 80। पहले क्या है? 1, फिर 10, और यहाँ पर भी 10, तो चलो अभी से काउंट करते हैं। 1 प्लस 10 11, 11 प्लस 10 21, तो यहाँ पे लिखेंगे 21। सो 80 माइनस 59 इज इक्वल टू कितना आएगा? 21। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा? सो 80 माइनस 59 इज इक्वल टू 21, तो हमारा आंसर क्या होगा? 21। नेक्स्ट डी, यहाँ पर भी यही मेथड फॉलो करनी है, 85 माइनस 63 इज इक्वल टू ब्लैंक। 63 दिया है, उसमें हम 2 का पहले जंप लगाएंगे, फिर 65 पे आएंगे, फिर 65 से लेके 10 का जंप 75, 75 से लेके 10 का जंप 85, तो क्या आंसर आएगा यहाँ पे? 10 प्लस 10 20, 20 प्लस 2 22, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा 22। नेक्स्ट ही, 84 माइनस 69, यहाँ पे क्या करना है? हम 5 5 का जंप, सॉरी पहले 5 का जंप लगाएंगे, 84 है उसमें 1 ऐड करेंगे तो 85, फिर 10 का जंप 85, सॉरी 69 है उसमें 1 ऐड करेंगे तो 70, 70 में 10 का जंप लगाएंगे तो 80, फिर हम 5 का जंप लगाएंगे,
तो 85 हमें चाहिए कितना, 84, तो हम 1 माइनस करेंगे। अब इसे काउंट करते हैं, देखो ये प्लस 1 होने माइनस 1 है, वो तो कट हो जाएगा, 10 प्लस 5 तो कितना आएगा 15, तुम्हारा आंसर क्या होगा 15। 84 माइनस 69 इज इक्वल्स टू 15, 10 प्लस 1 11, 11 प्लस 5 16 माइनस 1 यानी कि 15, आंसर आएगा 15। नेक्स्ट एफ 60 माइनस 20, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या करेंगे, 10 10 का जब, 10 20 के बाद 10 का जब, तो 30 30 के बाद 10 का जब, 40 40 के बाद 10 का जब, 50 और 50 के बाद 10 का जब लगाएंगे तो 60। तो अभी ये सबको मिलाओ, 10 प्लस 10 20, 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 10 40, तो हमारा आंसर क्या होगा 60 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 40। लास्ट 90 माइनस 50, 50 से फॉरवर्ड जाएंगे, 50 प्लस 10 60, 60 प्लस 10 70, 70 प्लस 10 80, 80 प्लस 10 90। तो अभी से काउंट करो, 10 प्लस 10 20, 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 10 40, तो हमारा आंसर क्या होगा 90 माइनस 50 इज इक्वल्स टू 40। बच्चों आप हर एक सम है यहाँ पे डी ई एफ जी है वो ऐसे लिखकर भी काउंट कर सकते हो। थैंक यू।